हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बनाएंगे गुड़ का खट्टा मीठा अचार। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है दो आम। ये दो कच्चे आम हैं जिसे मैंने धोकर अच्छे से छील लिया है। और यहाँ मैंने लिया है साबुत धनिया, जीरा और लाल मिर्च जिसे मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। यहाँ मैंने स्वाद अनुसार नमक लिया है। और अचार हम बनाएंगे तेल में, इसलिए हमने लिया है ये सरसों का तेल। आप चाहे तो इसे घी में भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने गुड़ लिया है, यहाँ मैंने 250 ग्राम गुड़ लिया है, यानी हमें दो आम में 250 ग्राम गुड़ की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम आम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। यहाँ मैंने जैसे नॉर्मल अचार बनता है उतने ही छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है। अब हम गैस पर एक पैन बिठाएंगे और जब पैन गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। हमें तेल को अच्छे से गर्म करना है और फिर हम इसमें डालेंगे अपने कटे हुए आम। हमें इसे हाई फ्लेम पर अच्छे से चलाते हुए पकाना है। अच्छा, आप ये बताओ, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं। तो अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। ये देखिए, 1 मिनट हो चुके हैं और हमारे आम बिल्कुल रेडी हैं। अब हम आम को निकाल कर साइड कर लेंगे। और अब मैं उसी पैन में डाल रही हूँ गुड़। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी। यहाँ मैंने एक छोटी कटोरी से पानी लिया है। हमें गुड़ को पानी में अच्छे से पिघला लेना है। इस समय हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। ज्यादा हाई फ्लेम पे हमें गुड़ को नहीं पिघलाना है, नहीं तो हमारे गुड़ जल भी सकते हैं। ये देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा गुड़ अच्छे से पानी में पिघल चुका है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे अपने आम। और फिर हम इसमें डालेंगे नमक। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून के करीब नमक डाला है। आप चाहे तो यहाँ काला नमक भी डाल सकते हैं, उससे अचार का फ्लेवर और ज्यादा बढ़ जाता है। अब हम सारे सामग्री को अच्छे से मिला लेंगे। हमें इसे अच्छे से चलाते हुए पकाना है। इसे हमें 5 से 10 मिनट तक अच्छे से पकाना है। आप देख सकते हैं हमारे आम कितने अच्छे से गुड़ में पक चुके हैं। अब मैं डालूंगी भुना हुआ धनिया और जीरा जिसे मैंने पीस लिया है। इस स्टेज पे हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और अच्छे से सारी चीजों को मिक्स कर देना है। इसकी स्मेल बहुत ही ज्यादा अच्छी आ रही है, आप एक बार बना कर देखना। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी रेसिपी है और ये मेरी मॉम की स्पेशल वाली रेसिपी है। तो देखा, कितनी आसानी से बन गया हमारा खट्टा मीठा अचार। आप ये बताओ, आपको कच्चे आम की कौन सी रेसिपी पसंद है, मैं उसे भी डालूंगी। और ये जरूर बनाना और ट्राई करना। थैंक यू एंड ड्यू।